हेलो एवरीवन, आज मैं आई हूँ एक लड़की के घर। उस लड़की से मैं मिलाती हूँ आप लोगों को। हाय। और ये मेरी दोस्त प्रीति है, आप सब लोगों को पता है। तो मैं बर्तन धुल रही है अभी। हाँ, काम कर रही है लड़की। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करने अगेन, क्योंकि हमारे पास कुछ काम नहीं चलता रात में। दिन में बहुत बिजी रहते हैं, तो रात में कोई काम नहीं रहता। रात में हम यहाँ पे चले आते हैं अपना मूड फ्रेश करने, यहाँ पे खाना बनाने, खाने और बहुत सारी मस्ती करने। तो आप लोग वीडियो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, मन नहीं भरने वाला। आज इतनी सारी मस्तियाँ करने वाले हैं। हाँ, बर्तन धो लें उसके बाद मिलते हैं। क्यों नहीं मिल रहा? अरे मेरा PDF असाइनमेंट सबमिट करना है, मिल नहीं रहा। सही में यार, तुम्हारे पास दिमाग है, करके दिखाओ लो। कम्युनिकेशन, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि मतलब वो करना है नहीं करना है। मैं तो बस ये पूछ रही हूँ तुम्हारे पास दिमाग है? नहीं नहीं है, तो इसलिए नहीं मिल रहा है ना। ये बहुत कामकाजू लड़की है, मैं आप सबको बता रही हूँ। और जब भी आप देखेंगे आपको काम करती ही मिलेगी। कभी आपको वीडियो बनाते हुए, कभी आपको ब्लॉग बनाते हुए, और कभी ऐसे खाना बनाते हुए, कभी बर्तन धोते हुए, बहुत सारा काम होता है इनके पास जी। इसलिए मैं बहुत बिजी रहती हूँ। आप लोग बोलते हो ना कि कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ। हाँ, दैट इज द ओनली रीजन कि कमेंट का रिप्लाई नहीं हो पाता है। बट इनकी चैनल पे आप लोग जाइए और बहुत सारा कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियो पे भी कमेंट कर दीजिएगा अगर इनसे रिप्लाई चाहिए तो। मैं इनसे अलग से वो क्या बोलते हैं, सोर्स लगा करके, हाँ सोर्स लगा करके मैं कमेंट करवा दूंगी। अमेजिंग। गाइस, तो हमारी स्नेहा दी पूरी तरह, वो भी बहुत काम करती है। हम दोनों बहुत ज्यादा काम करते हैं, इसलिए हम दोनों बहुत पतले हैं। और इनको देख लो, अभी आप हो गई हैं वैसे, अभी आप हो गई हैं वैसे थोड़ा सा। मैं तो ऐसा लग रहा हूँ मोटी हो रही हूँ। मुझे दो दो बहनों का सुख मिल रहा है यहाँ पे ना। दोनों बहनें उठ के खाना बना देती हैं, मैं उठती हूँ तैयार होके ऑफिस, फिर शाम को आती हूँ, दूसरी बहन चाय बना के रख देती है, फिर तीसरी बहन खाना बना के रख देती है। मजा तो मेरी जिंदगी का ही है। पूरे दिन रोती रहती है। कब मैं रोती? तुम ये गलत बात है यार, तुम किसी से पूछ लो, मैं कभी रोता नहीं हूँ। सॉरी, रोती नहीं हूँ। श्वेता श्वेता का असर हो रहा है नया। नहीं, इसका असर मुझे हो गया कि अभी से ऐसे बोलती रहती है। अरे यार, मैं रोता नहीं हूँ। सब लोग बोलते हैं कि मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, तो मैं हंसती रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे देख करके और लोग भी हंसते रहें। अच्छा प्रीति, वैसे बहुत सारी मस्ती हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें हम कुछ आज डिफरेंट बताएं। हाँ। तो हम इन्हें बताते हैं अपनी फ्रेंडशिप के बारे में, ठीक है? हाँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ, आप उसके जवाब देना, ठीक है? तो आपको याद है हमने कौन से ईयर में हम मिले थे? कौन सा ईयर था वो जो जब हम मिले थे? मैं बताऊँ, 2016 यस। Okay. और कहाँ मिले थे वो भी बता दो। हाँ, हम लोग ना कंप्यूटर क्लास कर रहे थे, तो वैसे तो मैं आपको बहुत पहले से जानती थी, बट हम लोग मिले थे, कुछ तो था, टीचर डे वगैरह कुछ तो था, तो वहाँ पे ना मैं फ़ोन लेके गई थी और हम लोग फोटो क्लिक कर रहे थे, फिर हम लोग साथ में फ़ोटो क्लिक करे, तो आप बोली कि मेरा नंबर ले लो और इस पर मेरा फ़ोटो सेंड कर देना, वहाँ से हमारी बात शुरू हुई। हाँ, तो अभी मतलब हमारी फ्रेंडशिप को हो गए कितने साल हो गए? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9 साल होने वाले हैं। अच्छा, अब आप बताओ। That is really a long time. सुनो, आप बताओ अब कि आप मुझे कब से जानते हो? मैं भी सेम, अब मतलब वही, आप जब क्लास करने जाती थी ना, तो मैं अपने शॉप से आपको देखती रहती थी कि, और फिर मैं ये सोचती थी अरे वाह ये लड़की कितनी सुंदर है। मैं मतलब जब भी देखती थी और बस मैं ऐसे इधर से लेके ऐसे ऐसे जिधर जिधर जा रही मैं उधर उधर देखती है, मैं सोचती थी ये लड़की कितनी सुंदर है, मुझे इससे बात करना है। और फिर बात हुई हमारी ऐसी कि पूछो मत। तो गांव से मैं उनको जानती हूँ।
ऐसे ऐसे हम लोग मिले हैं। तो कह रही वाह, कह रही कि मैं भी ऐसे ही तुमसे मिली हुई। मैं बोली मतलब, कह रही कि ऐसे जब तुम आई थी ना वहाँ पे जॉब करने, मैं तुम्हें देखी तो मैं सोची यार ये लड़की बहुत अच्छी, मुझे इससे बात करना है। फिर मैं सोच रही थी यार पता नहीं बात करेगी कि नहीं। मैं बोली तू ऐसा क्यों सोच रही थी, मैं बात नहीं करूँगी, कह रही बस ऐसे देख के लग रहा था कि तू बात करेगी कि नहीं। फिर मैं तुमसे एक बार बात की ना तो बहुत अच्छा लगा। सुना है ना हमने कि सुंदर लड़कियों में घमंड होता है। हाँ सब लोग यही बोलते हैं यार, पर ऐसा नहीं है। मेरे से कोई भी बात करता तो मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, तो मेरे अंदर भी ऐसी चीज थी कि मतलब पता नहीं मैं बोलूंगी तो ये लड़की बोलेगी मुझे भाव देगी या नहीं देगी, वैसा वाला सीन था। तो लेकिन जब मैंने बात किया तो प्रीति बहुत ही अच्छे तरीके से बात भी की, नंबर भी लिया मेरा। फिर हम दोनों ने जो स्टार्ट करा उस टाइम भी क्रेज था स्टोरी लगाने का, सॉरी स्टेटस लगाने का व्हाट्सएप पे। हम दोनों बात भी नहीं करते थे एक दूसरे से, बस डीपी का स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस लगा देते थे कुछ भी लिख के। हाँ, और उस टाइम पे पिक्सल्स भी इतने अच्छे नहीं थे कि SD फोटो आ रही है, बस ब्लर फोटो भी उठा के चिपका लो, ऐसा ही करते थे। और डीपी जब डीपी दोनों का चेंज होता था इतनी तारीफ होती थी। हाँ बहुत सारी। अब तो बटरिंग नहीं था, वो रियल था यार। एक्चुअली उस टाइम वो रियल था, मुझे नहीं लगता वो बटरिंग था, क्रेज के अकॉर्डिंग वो रियल था। उस टाइम पे जो हमारा वो था, मतलब डीपी लगाओ चेंज करो स्टेटस लगाओ, वो सब चल रहा था उस टाइम पे। नहीं इसीलिए तो आज तक चल भी रहा, वरना देख लो आज के रेट में फ्रेंड्स कैसे। मुझे ना ये लगता है कि हमारे बीच एक जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है अभी तक का, वो उसका कारण ये है कि हमारे बीच में जलसी नहीं है। हाँ। ना कोई कंपटीशन है एक दूसरे से कि नहीं ये मेरी कंपटीटर है मैं इससे जलूँ या कुछ भी, तो वैसा सीन नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है हमारे बीच वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो कि इतने दिन की फ्रेंडशिप हमारी चल रही है। और हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि ये ओल्ड एज तक भी चलती रहे, ऐसे खाने बुलाते रहो मेरे को। हाँ हमेशा बुलाऊंगी आपको, और इसी चैनल पर सब लोग देखेंगे भी कि ओ यार इतना दिन पहले हम लोग व्लॉग देखे थे इन दोनों का और अभी भी ये लोग साथ में हैं। और हम जब भी बाहर जाते हैं तो लोग देखते हैं ना अगल बगल वाले लोग, तो वो लोग यही बोलते हैं तुम दोनों बहने हो क्या। अक्सर सब लोग यही बोलते हैं अक्सर। आप लोगों को भी लगता है क्या ऐसा, कमेंट में जरूर बताना कि हम दोनों बहने लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा है कि मतलब तुम दोनों सिस्टर हो, या फिर रियल लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है तुम दोनों सिस्टर हो। बहुत जगह तो हम लोग झूठ भी बोल के आते हैं। हाँ बहुत लोगों को तो यही लगता है अभी तक कि हम दोनों बहन हैं। बहुत टाइम तक हमने पहले ये चीज़ें क्लियर की लोगों को कि नहीं हम दोनों फ्रेंड्स हैं सिस्टर नहीं है, लेकिन जब हमने रोज़ रोज़ यही सुनना शुरू किया तो फिर हम एक्सेप्ट कर लिए नहीं हम बहने हैं। ठीक है, करते करते हमारा ये डिनर हो गया था रेडी। अब हम सोच रहे हैं कि पहले खा लें उसके बाद से कुछ आगे स्टार्ट करते हैं। तो खाना ये मेरी अच्छा बहुत टेस्टी बना, बहुत है सच्ची में। तुम लोग बताओ भाई, जल्दी जल्दी खाओ यार, कितना वेट करवा दो तुम लोग। स्वर्ग कैसा है? Amazing. Okay. ऐसे मत करो यार, खाने के बाद तुरंत सोते रहो। उठो चलो। उठो। बहुत ज़्यादा हो गया सच में। Yes. आप देख सकते हो गाइस हमारा फेस कि हम खा के एकदम नशे में है। आई तो गिर गई सारी। अभी तुम मीठा नहीं खाए तब इतना नशा हो गया, कुछ मीठा रहा होता तब क्या होता। लग रहा नया पनीर में कुछ डाली थी। नहीं नहीं बस उसमें मेरा प्यार था बहुत ढेर सारा। नशा कैसे वो गाना भूल गई मैं। नशा शराब में होती नहीं नशा तेरा सर चढ़ के बोला पता नहीं क्या ऐसा कुछ गाना है ना, भूल गए जान लो छोड़ो। आपको याद होगा तो आप कमेंट में बता देना कोई गाना इन लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। इन लोगों को कोई गाना ही नहीं आता था टाइम पे। फिलहाल अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे और रात के 11 बज चुके, सॉरी 11:30 होने वाले हैं। तो अगर हम घर नहीं गए तो बहुत लेट हो जाएगा। तो जस्ट बगल में ही मेरा भी घर है, मैं अब जा रही हूँ अपने रूम पे। तो अब आपको मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक आप वेट करना। और सी यू नेक्स्ट व्लॉग। छुप क्यों रही है? बाय, गुड नाइट।